माय डियर व्यूअर्स आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अजीब इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कुछ दिन पहले मैं अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से मिली एक कॉन्फ्रेंस में लंच के बाद मैंने नोटिस किया कि वो अजीब तरीके से बार बार अपने हाथ धो रही थी और काफी देर तक वो धोती रही बाद में उसे घर छोड़ने गई ड्रॉप किया देखा तो वो दरवाजे को बार बार चेक कर रही थी मुझसे रहा नहीं गया मैंने उससे पूछा कि बार बार तुम ये सब क्यों कर रही हो तो उसने बताया कि उसे ओ है मुझे ओ का मतलब समझ में नहीं आया और मैं उसे और एम्बेस करना नहीं चाहती थी इसलिए घर आके खुद गूगल किया उससे नहीं पूछा पर गूगल करके भी मुझे समझ नहीं आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एपिसोड में डॉक्टर इशांत को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये ओ है क्या सो वी हैव डॉक्टर इशांत विजाज एंड दिस इज़ मीरा नागपाल सर आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ दिस ओ सी मीरा सबसे पहले तो uh, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस चीज़ को uh, आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं uh, आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी एंग्जाइटी uh, डिसऑर्डर्स के बारे में mm -hmm. तो ये जो ओ है ये एंग्जाइटी की बीमारियों में से एक बीमारी है इस बीमारी में आ, व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो उसे लगता है कि आ, ये अच्छे विचार नहीं है और व्यक्ति कुछ ऐसे व्यवहार करता है जिसे उससे लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो शायद मेरी जो घबराहट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी तो बार बार ना चाहते हुए भी इन विचारों का आना इसको हम कहते हैं ऑब्सेशन और किसी व्यवहार को बार बार करना इसे हम कहते हैं कंपल्सन तो जब ये दोनों चीज साथ में मिलती हैं तो ये बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओ सी टी तो इस समस्या में एक समस्या है बार बार अनचाहे विचारों के आने की और एक समस्या है अनचाही चीजों को बार बार करने की ठीक है तो अब जैसे मेरी फ्रेंड बार बार हाथ धो रही थी या बार बार दरवाजा चेक कर रही थी क्या हर कोई ओ में यही करता है आ, मेरा सामान्य लक्षण है हाथों को बार बार धोना दरवाजे को बार बार चेक करना मगर हर व्यक्ति के साथ ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि और भी बहुत सारे लक्षण हैं अच्छा। जैसे व्यक्ति के मन में आ, बार बार इस तरह के विचार आना कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या उसके परिवार के व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो वो घर का ताला बार बार चेक करते हैं बार बार रात को उठ के स्टोप चेक करते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए जब वो घर से बाहर जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो घर वालों को फोन करके पूछते हैं कि सब ठीक है ये जानते हुए भी उनके मन को शांति नहीं मिलती अब शांति नहीं मिलती तो ये चीज़ उन्हें दोबारा करनी पड़ती है वो फिर फ़ोन करते हैं फिर चेक करते हैं अच्छा तो बहुत सारे चेक करने के लक्षण देखने को मिल सकते हैं बहुत तरह के विचार देखने को मिल सकते हैं तो समझने के लिए उदाहरण के तौर पे यह है कि कोई विचार जो आपको घबराहट देता हो और आपको लगता हो कि ये मुझे परेशान कर रहा है बार बार आए तो वो एक ऑब्सेशन हो सकता है और कोई व्यवहार जो आपको भी सामान्य ना लगे और किसी दूसरे को भी सामान्य ना लगे दो बार लॉक तो हर कोई चेक करता है लेकिन जब आपको लगे कि ये तो कुछ असामान्य हो रहा है ये अब नॉर्मल हो रहा है अब इसको बदलने की जरूरत है तो जब चीज़ें असामान्य लगें तो हमें ये समझना चाहिए कि ये ओ हो सकती है इनसेरिटी so uh, मैं नहीं कहूँगा इन सिक्योरिटी चिंता एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि किसी चीज के प्रति स्वयं के प्रति अपनी चीज़ों के प्रति अपने संबंधियों के प्रति इन चीज़ों के प्रति जो चिंता है हमारी वो एक बड़ा रोल प्ले करती है ओके okay. मेरी सहेली पिछले बीस सालों से तो ठीक थी क्या उसे अचानक ओसीडी हो गया मेरा एक परसेंट लोग पॉपुलेशन में ऐसा माना जाता है कि ओसीडी के शिकार होते हैं मतलब गहरी समस्या है आ, बहुत सारे आ, फैक्टर्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें योगदान देती हैं तो जैसे कि मानसिक समस्याओं में है कि रासायनिक परिवर्तन ब्रेन में होने वाले वो भी एक योगदान प्ले करते हैं उसके अलावा बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक आस्पेक्ट हैं चीज़ों को समझने की जो हमारी स्थिति है वो भी एक योगदान प्ले करती है स्ट्रेसेस का भी एक बड़ा रोल है इसमें कि कोई तनाव भरी परिस्थिति है जो आपको इस इस बीमारी के डेवलप होने में एक रोल प्ले कर सकती है एक अन्य जो एक फैक्टर है वो है कि कई बार ओ फैमिली में रन करती है यानी कि अगर माता पिता में से किसी व्यक्ति को ओ है तो कुछ प्रतिशत चांसेस होंगे कि बच्चे में वो बीमारी घर कर सकती है अच्छा इवन जीन्स अ रोल ही जीन्स अ रोल तो जो अनुवंशिक परिस्थितियां हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं मैं ये कहूँगा कि जरूरी नहीं है तो लोग ऐसा घबराना ना जाए कि अगर हमें ओ सी डी है तो बच्चे को होगी जरूरी नहीं है मगर इसका इलाज क्योंकि सामाजिक रूप से जो आप देखते हैं वो आपके विचारों में परिवर्तन लाता है तो ओ सी डी एक व्यवहार की प्रक्रिया है जब आप घर में देखते हैं कि देखो ये व्यक्ति इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो बच्चों में वो चीज़ डेवलप हो सकती है तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहती है कि बहुत सारी चीज़ें तो आप देख के सीख जाते हैं तो अगर बच्चा देखेगा तो उसके अंदर भी इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं तो ये कुछ विशेष कारण हैं जो आ, आते हैं दूसरा सवाल आपने पूछा था कि क्या एकदम से डेवलप हो सकती है आ, मीरा एकदम से एक दिन में ओ डेवलप नहीं होगी आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा समय लेगी कुछ हफ्ते का कुछ महीने का समय लेगा आप पाएंगे आपके विचार में थोड़े थोड़े परिवर्तन हो रहे हैं और फिर एक दिन आएगा जब आपको लोग आपको कहना शुरू करेंगे कि तुम्हारा ये व्यवहार जो है वो सामान्य नहीं है अब कुछ दिनों के बाद आप भी पाएंगे कि आपके जीवन में जो है परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं तो धीरे धीरे करके ये बीमारी अपना घर बनाती है तो क्या आप हमें प्लीज इस बीमारी के बारे में ओ के बारे में जो ट्रीटमेंट है उस बारे में बताएंगे मेरा ट्रीटमेंट जो उपचार है ओ का मैं ये बताना चाहूँगा जो देखने वाले हैं कि ये बीमारी आपके जीवन में इतने गहरे परिवर्तन लाती है और एक समय पे इतनी सीरियस हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर पाते तो जब इसके इलाज की बात आती है जबकि जो इसका इलाज है वो संभव है और पूर्ण रूप से संभव है तो कुछ दवाइयाँ जैसे एसएसआरआईज एक बहुत ही एडवांस मेडिसिन हैं जो साइकेट्री में हैं वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं इसके इलाज में इसके अलावा और बहुत तरह के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा तो एक थेरेपी जिसका मैं नाम लूँ एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जिसमें जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो आपके केस को बहुत डीपली समझ के उसके हर बारीक से बारीक हिस्से को जानेगा और फिर हर उस हिस्से के ऊपर वर्क करेगा कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो इसका इलाज संभव हो जाता है मगर ये मानिए कि इसका इलाज पूरे तरीके से संभव है और रोक लीजिए जब तक ये बीमारी बड़ी बने ओके वाह वॉट वनिंग वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड कंपल्सिव डिसऑर्डर सुनने में कम लगता है बट अफेक्ट बहुत ज्यादा है तो आप अगर इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो प्लीज आए माइंड प्लस रिट्रीट में अगले एपिसोड में मिलते हैं नई प्रॉब्लम नए, नए सॉल्यूशंस के साथ सी यू अंटिल देन